हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मैन वर्ब के बारे में पढ़ाया था। मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला स्ट्रांग मैन वर्ब, दूसरा वीक मैन वर्ब। और स्ट्रांग मैन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। इसके बाद मैंने वीक मैन वर्ब के बारे में आपको बताया था कि जो वीक मैन वर्ब होती है उसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी लगाकर बनाई जाती है। पिछली वीडियो में मैंने ग्रुप ए के बारे में आपको बताया था, आज हम ग्रुप बी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप बी की जो मैन वर्ब होती हैं वो कैसे बनती हैं, तो आगे चलते हैं, देखते हैं ग्रुप बी की मैन वर्ब को। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया की तीनों अवस्था। ग्रुप बी है कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब जिनका पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की बॉबल को बदलकर तथा जो पास्ट पार्टिसिपल सिमिलर थर्ड फॉर्म होती है वो ई एन एन ई या एन जोड़ने से बनती है। आपका जो सेकंड फॉर्म होगी, जो प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके वॉवेल को चेंज करके बनेगी, तथा जो थर्ड फॉर्म होगी उसमें ई एन एन ई या एन जोड़ने से बनेगी। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म अर्थ, पास्ट फॉर्म उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद आई एन जी फॉर्म। पहला है एराइज, उठना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी एरोज और थर्ड फॉर्म होगी एराइजिन। इसकी जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी एराइजिन। आपको याद रखना है कि जो इसकी आई एन जी फॉर्म होती है मैन वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड होती है। फर्स्ट फॉर्म में जब आई एन जी आप लगाएंगे तो वो उसकी आई एन जी फॉर्म बन जाएगी। जैसे एराइज है तो इसमें आई एन जी लगाया तो एराइजिंग हो गया। उसके बाद बियर, बियर मीन्स सहन करना। फर्स्ट फॉर्म इसकी बॉर्न, बॉर होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो बॉर्न होती है। इसके बाद आई एन जी लगाएंगे तो बियरिंग हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है बियर, बियर मीन्स ले जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी बोर, थर्ड फॉर्म होगी बॉर्न, आई एन जी फॉर्म लगाएंगे बियरिंग। उसके बाद चौथा है बियर, उसके बाद जन्म ले, जन्म देना, और सेकंड फॉर्म है बोर और थर्ड फॉर्म है बॉर्न, बी ओ आर एन, इसमें ई नहीं आएगा, ठीक है। आई एन जी इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी बियरिंग। उसके बाद पांचवा है बिड, बिड मीन्स आज्ञा देना, सेकंड फॉर्म बेड, थर्ड फॉर्म बिडन, आई एन जी फॉर्म में बिडिंग आएगा। छठवां है बिड, बिड माने नीलाम करना, सेकंड फॉर्म इसकी सेम होगी और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम होगी। उसके बाद आई एन जी लगाएंगे तो बिटिंग हो जाएगा। बाइट मीन्स दांत से काटना होता है, सेकंड फॉर्म इसकी बिट होगी, थर्ड फॉर्म इसकी बिटन होगी। उसके बाद आई एन जी लगाएंगे तो बाइटिंग हो जाएगी, आई एन जी फॉर्म इसकी बाइटिंग होगी। उसके बाद बिलो, बिलो मीन्स हवा चलना, सेकंड फॉर्म इसकी बिलू होगी और थर्ड फॉर्म इसकी ब्लॉन होगी। उसके बाद आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी ब्लोंग। उसके बाद नौवां है ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, सेकेंड फॉर्म इसकी ब्रोक होगी, थर्ड फॉर्म इसकी ब्रोकन होगी, तथा आई एन जी फॉर्म इसकी ब्रेकिंग होगी। दसवां नंबर है बीट, बीट माने पीटना, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो होगा बीट, थर्ड फॉर्म होगी बीटन, इसकी जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी बीटिंग। उसके बाद ग्यारहवां है चूज, चूज माने चुनना, सेकेंड फॉर्म इसकी होगी चोज, थर्ड फॉर्म होगी चोजन, और इसका जो आई एन जी फॉर्म होगा वो होगा चूजिंग। बारहवां है चाइड, चाइड मीन्स फटकारना, सेकंड फॉर्म इसकी चिड या चाइडेड होगी, तथा जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी चिडन तथा चाइडेड, और इसमें आई एन जी लगाएंगे तो चाइडिंग हो जाएगी। उसके बाद तेरहवां नंबर है डू, डू माने करना, डेड इसकी सेकंड फॉर्म, डन इसकी थर्ड फॉर्म, और आई एन जी फॉर्म होगी डूइंग। चौथा है ड्रॉ, ड्रॉ माने खींचना, सेकंड फॉर्म ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रॉन, और इसकी जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी ड्रॉइंग। पांचवा है ईट, ईट माने खाना, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, और इसकी जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी ईटिंग। सोलहवां है फॉल, फॉल माने गिरना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी फेल, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी फॉलन, आई एन जी लगाएंगे तो फॉलिंग। उसका सत्रहवां है फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना या उड़ाना, सेकंड फॉर्म फिलू, थर्ड फॉर्म फिलॉन, और इसकी जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी फ्लाइंग। अठारहवां है फॉरगेट, फॉरगेट माने भूलना, उसके बाद सेकंड फॉर्म इसकी फॉरगोट, थर्ड फॉर्म इसकी फॉरगॉटन, और इसकी जो आई एन जी फॉर्म होगी वो होगी फॉर गेटिंग। उसके बाद 19वां नंबर है फ्रीज, फ्रीज माने जमना, सेकंड फॉर्म इसकी फ्रोज और थर्ड फॉर्म इसकी फ्रोजन, तथा आई एन जी फॉर्म फ्रीजिंग। उसके बाद 20वां है फॉरवर्ड माने मना करना, सेकंड फॉर्म फॉरवर्ड, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन, तथा इसकी आई एन जी फॉर्म फॉरबिडिंग। 21वां है फॉरसेक माने छोड़ना, उसके बाद उसकी सेकंड फॉर्म फॉरसूक, तथा थर्ड फॉर्म है फॉरसेकन, और इसकी आई एन जी फॉर्म होगी फॉरसेकिंग। 22वां नंबर है गिव, गिव माने देना, सेकंड फॉर्म गिव, थर्ड फॉर्म गिवन, आई एन जी फॉर्म होगी गिवन। 23वां नंबर है ग्रो, ग्रो माने उगना या उगाना,
सेकंड फॉर्म ग्रू, थर्ड फॉर्म ग्रोन, और जो आईएनजी फॉर्म है वो होगी ग्रोइंग। 24वां नंबर है गो, गो माने जाना, सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो गोइंग। 25वां नंबर है हाइड माने छिपना या छिपाना, और इसके बाद सेकंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन, आईएनजी लगाएंगे हाइडिंग। 26 नंबर है नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो माने जानना, सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे नोइंग। 27वां नंबर है लाई, लाई माने लेटना, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन, तथा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो लाइंग। 28वां नंबर है राइड, राइड माने चढ़ना, सेकंड फॉर्म रोड, तथा थर्ड फॉर्म होगी रिडन, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे राइडिंग। 29वां नंबर है राइज, राइज माने उठना, सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन, तथा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे राइजिंग। 30वां नंबर है देखमा, उसके बाद सेकंड फॉर्म इसकी सा, और इसकी थर्ड फॉर्म सीन, और उसके बाद आईएनजी लगाएंगे सींग। 31वां नंबर है सेक, सेक माने हिलना हिलाना, इसकी सेकंड फॉर्म है सूक, थर्ड फॉर्म है सेकिन, इसकी आईएनजी जो फॉर्म होगी वो होगी सेकिंग। उसके बाद 32वां नंबर है सिले, सिले माने मार डालना, सेकंड फॉर्म होगी सिलू, थर्ड फॉर्म होगी सिलेन, इसकी जो आईएनजी फॉर्म है वो होगी स्लेइंग। 33वां नंबर है स्पीक, स्पीक माने बोलना, सेकंड फॉर्म इसकी स्पॉक होगी, थर्ड फॉर्म स्पॉकिंग, तथा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म के बाद बन जाएगा स्पीकिंग। उसके बाद 34 नंबर है स्टील, स्टील माने चुराना, सेकंड फॉर्म स्टॉल, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी स्टॉलन, आईएनजी लगाएंगे स्टीलिंग। 35वां है स्वेयर, स्वेयर माने शपथ लेना, सेकंड फॉर्म स्वर, थर्ड फॉर्म स्वर्ण, तथा आईएनजी फॉर्म होगी स्वेयरिंग। 36वां नंबर स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, सेकंड फॉर्म स्ट्रॉप, थर्ड फॉर्म स्ट्राइविंग, और जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी स्ट्राइविंग। उसके बाद 37वां नंबर है टेक, टेक माने लेना, तो सेकंड फॉर्म होगी, और टेकन इसकी थर्ड फॉर्म होगी, आईएनजी लगाएंगे तो टेकिंग हो जाएगी। इसके बाद 38वां नंबर है टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना, उसका सेकंड फॉर्म टॉर, और थर्ड फॉर्म टॉर्न, आईएनजी फॉर्म टीयरिंग। उसके बाद 39वां नंबर है थ्रो, थ्रो माने फेंकना, सेकंड फॉर्म थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रोन, उसका आईएनजी फॉर्म थ्रोइंग। 40वां नंबर बियर, बियर मीन्स पहनना, सेकंड फॉर्म बोर, थर्ड फॉर्म बोर्न, तथा आईएनजी फॉर्म बियरिंग। 41 नंबर है बी, बी माने बुनना, सेकंड फॉर्म बॉब, थर्ड फॉर्म बोविन, तथा आईएनजी फॉर्म बीविंग। 42वां नंबर राइट, राइट मीन्स लिखना, सेकंड फॉर्म रॉट, थर्ड फॉर्म रिटन, तथा आईएनजी फॉर्म होगी तो उसकी बन जाएगी राइटिंग। यहाँ पे आपने 42 मेन वर्ब के बारे में पढ़ा जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको ग्रुप ए की मेन वर्ब के बारे में बताया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके और आगे आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।